नमस्कार आदाब, आइए रूबरू कराते हैं सबसे अहम बड़ी खबर जानसठ क्षेत्र के लिए। हम आपको बता दें, जानसठ तहसील के जॉइंट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर जयेंद्र कुमार का ट्रांसफर हो चुका है और उनको अब दायित्व सौंपा गया है जिला मुख्य विकास अधिकारी का। सिद्धार्थनगर के जिला मुख्यालय का उनको बनाया गया है सीडीओ। और हम आपको बता दें, उनकी विदाई समारोह आज तहसील मुख्यालय पर हुई। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहाँ पर सभी मौजूद, इसके अलावा प्रेस क्लब के संरक्षक, वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता आरिफ शीश महली एडवोकेट द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। उनकी कार्यशैली के बारे में बताया गया, क्योंकि हम आपको बता दें, आईएएस ऑफिसर जयेंद्र कुमार एक बेदाग छवि के अधिकारी साबित हुए हैं जानसठ क्षेत्र के अंदर। इसके साथ साथ यहां पर प्रेस क्लब के ही संरक्षक अशोक काकरान ने भी उनका पुष्प देकर स्वागत किया। एक और भव्य स्वागत समारोह चलता रहा, चाहे अधिवक्ता गण हो, नगरवासी हो, ग्राम के प्रधान हो या दूसरे गणमान्य हो, और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के कर्मचारी और लेखपाल हो, उन सब ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने भव्य स्वागत से गदगद होते हुए जयेंद्र कुमार ने इस मौके पर क्या कहा, ये सुनवाते हैं उन्हीं की जबानी। मैं आपसे जाने के पहले कुछ चंद बातें सामूहिक रूप से आपसे कर सकता हूँ। लगभग 15 महीने पहले इस तहसील का हमने चार्ज लिया था। पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हुआ। बीच में जो भी सरकारी दायित्व थे, उसमें एनजीओ जिलाधिकारी इतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना सर्वोच्च दे सकते हैं, वो मेरे द्वारा देने का प्रयास किया गया। उसमें से जो भी व्यक्ति जिनके इंटरेस्ट इस तहसील से जुड़े हैं, इस काम के लिए वो आते हैं, ये भी सबका काम ना हो पाया हो, लेकिन एक कोशिश रही है कि उसका प्रयास किया जाए। यदि हमारे स्तर से उसको न्याय मिल सकता है या उसको संतुष्टि मिल सकती है तो उसको दे दिया जाए। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक जीवन का अहम पड़ाव रहा है, जिसमें हम बचपन में इलेक्शन कैसे होते हैं ये सुनते हैं, और मशीनरी सिर्फ जो चुनाव गांव में कराने आते हैं उनको देखते हैं और ये मानते हैं कि शायद यही चुनाव है, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा है, कैसे होता है, ये सब जानने का अवसर मिला। दो चुनाव यहाँ कराए, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और प्रशासनिक दायित्वों के बीच में जो भी स्टेक होल्डर्स आते हैं, उनका काम जो है वो आप ही के माध्यम से होता है, हमारे द्वारा दिशा होती है, निर्देश होता है, लेकिन फील्ड में आप ही लोग उसको एक रूप देकर आते हैं, और वही रूप सरकार का रूप होता है। आप किसी भी काम के लिए खड़े हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी होने के नाते वो सरकार का काम है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें सरकार को वाई वाई मिलती है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, और आप खराब काम कर रहे हैं, आप अपना सरकार के इंटरेस्ट से व्यक्तिगत इंटरेस्ट जोड़ दिए हैं तो भी उस सरकार जो भी उस पर प्रतिक्रिया है सरकार दी जाती है। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि गवर्नमेंट लोगों की है और लोगों के लिए काम कर रही है, और सरकारी सेवक अधिकारी होने के नाते हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल्याण कर सकें वो हमारी प्राथमिकता होती है, दायित्व बस उसका निर्वहन करते रहना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लेखपाल हैं, जो भी व्यक्ति आता है तो किसी काम लेके आएगा, उसके लिए भी उसको SDM तक जाना पड़ गया, और SDM को आपको उस छोटे से काम के लिए फ़ोन करना पड़ा जो कि आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सुपरविजन जो बीच के अधिकारी हैं उनका, उनकी कमी है, कानूनों की कमी है, तहसीलदार की कमी है, यदि छोटे से काम के लिए जो कि आप कर सकते हैं, जो हमारे फ़ोन से कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और जो आप नहीं कर सकते हैं तो किसी के फ़ोन से भी नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी नौकरी गाँव में लगा के कोई भी काम नहीं करेंगे
ये जो काम आप कर सकते हैं वो आदमी ही आपके सामने एक बार आ जाए फोन करते तो उसका काम हो जाना चाहिए, हम कहें उसकी जरूरत नहीं पड़े। हालांकि तहसील सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा विदाई समारोह में तहसीलदार संजय सिंह ने भी उनकी जमकर प्रशंसा की। क्या कहा इस मौके पर, आइए सुनवाते हैं तहसीलदार संजय सिंह। एक भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो सर के पास के साथ ना हो, कभी नहीं बोलता। मतलब झूठी तारीफ करना मुझे ना पसंद है ना मुझे मेरी करता है, मैं कोई कभी किसी की करता हूँ। तो जैसे आपने कहा है नेहरू ने कहानी सुनाई, ऐसी सर के साथ ये है कि परिश्रम कठोर परिश्रम ही है सर। सबसे पहले तो खुद सबसे ज़्यादा तहसीलें बैठते हैं, जब आपका मुखिया सबसे ज़्यादा बैठेगा काम करने के लिए तो बताइए कर्मचारियों को कौन सी प्रेरणा मिलेगी, काम करने की मिलेगी कि काम ना करने की मिलेगी। कितना भी बेशर्म होगा उसको भी लगेगा यार सर बैठे हैं। तो मैं भी ऐसी बात मैं यहीं रहता हूँ कैंपस में, सर बैठ रहते हैं, मैं भी ज़्यादा हिम्मत नहीं करता हूँ कैसे जाऊँगा, फिर भी कभी कभी लिवैस सबसे मिलते हुए ज़्यादा देर धूप डबा दिया तो इसके अंदर टूट जाएगा, अगर कम डबाया तो भूलेगा नहीं। बैलेंस बचपन सीखते ना कि ना तो टूटेगा ना भूलेगा, तो बीच वाला बैलेंस होता ना, ये बैलेंस ही जीवन का आधार। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर की नेतृत्व में एक काम में बैलेंस है। बैलेंस कैसा है आप देखिए, तहसील के जो कर्मचारी है अधिकारी है उनमें ही बैलेंस मांग रखते हैं, प्राइवेट पब्लिक लोग पब्लिक आएंगे उसमें बैलेंस मांग लेते हैं, कभी भी मतलब तटस्थ बनाओ उसकी। बैलेंस कब आता है, बैलेंस कब आता है जब आप कभी पक्ष नहीं बनते ना विपक्ष बनते हैं, आप बीच में होते हैं ना पक्ष ना विपक्ष, तटस्थ होते हैं ना आप। जैसे गीता में कहा गया है स्थिति प्रज्ञ, ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं जो ना तो हमारे दायरे में होते हैं ना हमारे एक्ट में होते हैं, लेकिन सब जो है ऐसा नहीं कि नियम विरुद्ध काम है, जैसे नहीं ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो, सीनियर्स भी पूछते हैं से। तो उसका ये नहीं था कि सर मेहनत करते हैं, सब मेहनत से आते हैं, ऐसा नहीं कि सर ने पहले इसका चुनाव करा रखते थे, यहीं आके किताबें की थी पढ़ी डिस्कस किया मंथन किया और उसको विचार किया उसके बाद ये नहीं है। और अंत में जो है तो आज बहुत विस्तृत भाव है मन में खुशी और एकदम दोनों ही। इस मौके पर नायब तहसीलदार डॉक्टर जसवंदर सिंह ने भी क्या कहा, सुने उन्हीं की जबान। आप सभी परिचित हैं, हम सभी इकट्ठा हुए हैं, हमारे क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जो मुख्य विकास अधिकारी बनाए गए हैं, मुझे बहुत खुशी है और सह परिवार सभी तहसील जानसठ के सभी परिवार के सदस्य उनको एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मेरा जो पूरा अनुभव है, मेरी सेवा भी इसी तहसील से स्टार्ट हुई है और यहाँ मैं ज़्यादातर हमारे जो उप जिलाधिकारी रहे हैं IAS जॉइंट मजिस्ट्रेट भी रहे हैं जब से मैं सेवा कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा सानिध्य मुझे सर का मिला है, 1 साल 3 महीने लगभग मैं इनके साथ काम किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। कभी भी ऐसा नहीं होने दिया कि कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया या मैं कहीं फील्ड में हूँ कोई भी मैंने पूछा मतलब सर ये समस्या आ रही है तो मैं अभी इसको फोर्स भेजता हूँ या बिना फोर्स के मत जाना। और एक छोटा सा अनुभव है, एक बार खनन का मामला था नगला बुजुर्ग का और मैं सर ने भेजा, मैं रात 12 बजे यहाँ से निकला, शिकायतें आ रही थी तो जब मैंने वहाँ जाके देखा वहाँ थोड़ी सी स्थिति खराब थी, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, मैंने सर को कॉल किया और मैं भी अनुभव नहीं कर पा रहा था, 2 बजे रात को सर वहाँ उपस्थित हो गए रात को 2 बजे। IAS ऑफिसर जयेंद्र कुमार का स्वागत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार चीफ एडिटर बार और बेंच लाइव न्यूज चैनल आरिफ शीश महली ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जबानी। ठीक है, और ये वो तोहफा है, दिल का तोहफा है, अनमोल तोहफा है जयेंद्र कुमार जी के लिए। दुख तो है कि वो जा रहे हैं जानसर जैसी जगह को छोड़कर, लेकिन खुशी है कि सुशोभित करेंगे पूरे देश को और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश की, जो भी उन्हें जनपद मिलेगा वहाँ पर अब वो सुशोभित करेंगे एक उच्च अधिकारी के लिए, क्योंकि उन्हें CDO जैसा अहम मुकाम मिला है, पद मिला है, सुशोभित करेंगे सिद्धार्थनगर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हम आपको बता दें काफी वर्षों से तहसील जानसठ को IAS ऑफिसर ही मिल रहे हैं, उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का पद यहां पर IAS ऑफिसर देख रहे हैं, चाहे कुलदीप मीना हो चाहे अनुज मलिक हो अमृतपाल कौर हो
गजल भारद्वाज हो या कई ऐसे यहाँ पर अधिकारी आए हैं जो आईएएस ऑफिसर, सीधा आईएएस ऑफिसर थे, और कुलदीप मीना के बाद जयेंद्र कुमार ने अपनी साफ स्वच्छ छवि से अपनी अलग जगह बनाई थी। इसके साथ साथ देख सकते हैं वो तस्वीरें, पुलिस के कर्मचारियों ने भी आज उनका सम्मान किया और उनके साथ सेल्फी ली, उनके प्रति अपना प्रेम जताया। इसके साथ साथ ही क्या कहा इस मौके पर जयेंद्र कुमार ने, फिर से सुने उन्हीं की जबानी। उस कार्य को हम लोगों ने समाप्त किया, इसकी मुझे संतुष्टि है और खुशी है कि जो काम मुझे असंभव सा लगता था जून जुलाई 2021 में, वो हम लोगों ने चुनाव के पहले अपनी कमी को देखते हुए उसको और अच्छा करने की कोशिश करी है, ताकि आपको कोई कहने का अवसर आप ना दे पाए किसी। और यदि आपको लगा हो कि एसडीएम साहब ने फालतू ही डांट दिया, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि प्राथमिक दायित्व में कई चीज़ें हम लोग जज नहीं कर पाते हैं। कई बार सामने वाला इतने उसको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, उसमें सुधार लाइएगा और वो जो आप सुधार लाएंगे वो उसमें लोगों का भला होना है, आपका जो भला होना है लोगों का भला होना है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ प्रशासनिक दायित्वों में जब भी आपसे मेरी भेंट होगी तो जो ये रिश्ता कायम हुआ है ये आगे निश्चित रूप में जारी रहेगा। जयंत कुमार को आज विदाई देने वालों में यहाँ पर ख़ासतौर से कानून गो मौजूद थे, लेखपाल मौजूद थे, सरकारी कर्मचारी मौजूद थे, सफाई कर्मचारी मौजूद थे, और जिन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए सराहनीय कार्य किया है उनको इस मौके पर उप जिलाधिकारी, वर्तमान में CDO, जॉइंट मजिस्ट्रेट, IAS ऑफिसर जयंत कुमार ने सम्मानित भी किया है। और उस सम्मान को लेकर आज काफ़ी प्रफुल्लित नज़र आ रहे थे तहसील स्तरीय कर्मचारी। देख सकते हैं वो तस्वीरें कि उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर सभी को सम्मानित किया, सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे और सबने आशा जताई है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जिलाधिकारी का अहम दायित्व संभालेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में भी उनकी वापसी होगी। इसके साथ साथ ही लोगों ने आशा जताई है कि वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचे, क्योंकि एक IAS ऑफिसर का सफ़र जिलाधिकारी से शुरू होता है और जिलाधिकारी के रूप में जब उनकी नियुक्ति होगी उसके बाद कमिश्नर और कमिश्नर के बाद सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक का एक लंबा सफ़र होता है। आज देख सकते हैं तस्वीरें, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष हों या नार सिंह टिकोला को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने समाज की ओर से, अपनी संस्था की ओर से आज उनको सम्मानित भी किया तथा उनके बारे में दो शब्द भी बोले, उनकी जमकर प्रशंसा की। इस दौरान लगातार तालियां बजती रहीं क्योंकि जयेंद्र कुमार का स्वागत करने के लिए हर वर्ग से, हर विभाग से कर्मचारी पदाधिकारी यहां पर पहुंचे थे। तहसील सभागार की ये तस्वीरें हैं और ये कार्य चलता रहा। इसके साथ साथ उन्होंने सभी कर्मचारियों के साथ, सभी पदाधिकारियों के साथ, तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, चाहे कानून गो है, चाहे लेखपाल हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी के साथ एक ग्रुप फोटो का सेशन भी कराया। देख सकते हैं ग्रुप फोटो सेशन में सभी उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल उनकी साफ स्वच्छ छवि रही है जानसठ के अंदर, आने वाले भविष्य में चीफ सेक्रेटरी तक जाए ऐसी मेरी भी कामना है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ मुजफ्फरनगर।